बुलाया गया, हमको बहुत अच्छा लगा कि हमें भी सम्मान मिला, हमारे हस्बैंड के ना होते हुए भी किसी ने हमको सम्मान दिया, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। हम लोग को बहुत सम्मान इज्जत मिला तो अच्छा लगा। मैं सो गया बहुत है, मेरा हस्बैंड नहीं रहने वो मतलब नहीं है, फिर भी हमको इतना सम्मान मिला, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति ना होने के बावजूद भी मुझे अभी ऐसा फील हो रहा कि हम वो हमारे साथ में ही हैं, और मेरा सर गर्व से उठ गया है कि वो कुछ ऐसा देश के लिए कर गए कि वो ना होते हुए हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जय हिंद। जिन्होंने तो मुझे अभी भी याद किया और सम्मानित किया द्वारा, हमारे जितने भी एक्स सर्विस मैन थे, जितने भी डिफेंस के जो लोग थे रिटायर लोग, उन लोगों को हम लोगों ने सम्मानित करने का सोचा। साथ ही में जो लोग हमारे देश के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके भी फैमिली को हम लोगों ने यहाँ बुलाकर एक अपनापन देने का हम लोग, हमने संस्था की तरफ से हम लोगों ने प्रयास किया है। और हम लोग इस संस्था द्वारा, इस कार्यक्रम द्वारा आने वाले समय में युवाओं को भी डिफेंस में जाने के लिए प्रोत्साहन करेंगे, और एक्स जितने भी रिटायर सर्विस मैन उन लोगों को ये हम लोग बोलेंगे कि हम जो भी उन्होंने सर्विसेज दी है देश के लिए, हम उसे हमेशा याद रखेंगे और उन्हें समय समय पर सम्मानित करते रहें। नागरिक संस्था द्वारा समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है वो एक अलग हटके कार्यक्रम था, और उसमें कुछ भाइयों ने, जो रिटायर्ड फौजी भाई है, उन्होंने हमको बहुत सहयोग दिया। हमने 20-25 लोगों का कुछ सोचा था स्वागत करने के लिए, नहीं इतना बड़ा जो करीब 150 तक यहाँ हो जाएंगे ये हमने नहीं भी सोचा था। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, हम लोग ऐसे कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे, और जो भी है हम आप लोगों से सहयोग लेते रहेंगे। इसके अलावा कितना कठिन रहा इन तमाम लोगों को ढूंढना, क्योंकि काफ़ी मुश्किल टास्क होता है सभी लोगों को एक जगह पर जमा करना? नहीं, ऐसा कठिन तो था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था। मेरे साथ में गजेंद्र भंडारी जी थे, हम लोगों ने 2-3 जो डिफेंस के लोग थे उनसे मिले जा करके, फिर उन लोगों ने कि भाई हमारी कुछ तो इधर है, मतलब जो यूनियन उनकी जो है वो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो यूनियन होने से 20-30 लोग मिले, फिर 20-30 लोगों के द्वारा हम लोगों ने एक एक जगह पर गए, तो करीब हमको 140-142 तक लोग मिले, और 7 लेडीज जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति जिनके पति जो शहीद हो गए थे, उनको भी हमने सम्मानित किया। बराबर सोशल कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अभी नेक्स्ट में क्या तैयारियां की हैं? नेक्स्ट में हमारी ऐसी तैयारी चल रही है, BMC के जितने भी रिटायर्ड टीचर हैं यहाँ पे मीरा भाईंदर में, उनका एक सम्मान का कार्यक्रम हम जल्दी ही करने वाले हैं, क्योंकि वो भी करीब 300 से 350 तो हमारी नज़र में है, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा भी करेंगे। इसके अलावा आपको नहीं लगता कि इस तरह का कार्यक्रम और भी लोगों को, और भी जो संस्थाएं हैं उनको भी इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए, ताकि और भी जो शहीद है या फिर जो जवान है उन्हें प्रोत्साहन मिलता रहे? नहीं नहीं, करना चाहिए, कर भी रहे हैं। जैसे अभी हमारे साथ में अभी जैसे ये हमारी एक संस्था और है, नरसिम्हा चैरिटेबल ट्रस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। आगे से हम लोग वो साथ लेके सब सारे कार्यक्रम ऐसे करते रहेंगे, और आगे जो भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम होंगे आप लोगों को बताते जाएंगे और करते रहेंगे। है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हमने अपने सैनिक भाइयों और बहनों को याद किया। हमें गर्व होता है कि जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, आज हम उनको कुछ मायने में सोलास दे सके, अपने पास उनसे मिल सके। हमें भी बहुत उत्साह और गर्व लगता है कि इतने अच्छे लोग हमारे देश के सीमाओं का रक्षण कर रहे हैं, ताकि हम निश्चिंत रूप से रह सके। भाईंदर इसकी पहचान है, लेकिन मीरा भाईंदर नागरिक संस्था ने आज जो ये कार्यक्रम किया, अपना अपना अभूतपूर्व कार्यक्रम था। मेरी नहीं, सभी की यही इच्छा है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहे और प्रेरणा मिले सबको। ये एक संस्था की तरफ से जो हमें सम्मान मिला है, हम बहुत ही इनके आभारी हैं, और ऐसी संस्थाएं और हमारे देश में होनी चाहिए जो हमारे देश के वीर जवानों और वीर नारियों का मान बढ़ाए, जो हम देश की सीमाओं का रक्षा करते हैं और यहां पर समाज में उचित सम्मान मिले, इसके लिए इन्होंने जो कार्यक्रम किया है बहुत ही काबिले तारीफ है। और इन लोगों के आयोजक जो भी हैं, इन लोगों को बहुत ही दिल से हम लोग सम्मान देते हैं, और भविष्य में ऐसा हम सोचते हैं कि और संस्थाएं सामने आए, इनकी तरह इन लोगों को सीख ले कि देश में वीर सैनिकों का, जो कि वीर सैनिक है उनके बिना इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर जो हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इन्होंने जो कार्यक्रम किया है, हम जितना भी जितनी शब्दों में इनकी बड़ाई करें बिल्कुल कम है। इन लोगों को अगेन पुनः फिर से मैं अपनी पूरी सैनिक कम्युनिटी की तरफ से बहुत सम्मान
और बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि इन लोगों के दिमाग में इतनी अच्छे नेक जो संस्था के बारे में जो सम्मान आया और इन्होंने ऐसा सफल कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मान हमें मिला है, ये पूर्व सैनिक जो हैं, वीरांगनाएं हैं, वो सब आकर के यहाँ उपस्थित हुई तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सम्मानित हुए हैं। हम उनको सम्मान देने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग हैं और वो हैं तो हम लोग हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ आए उन सब। श्री अशोक राठौर जी ने एक सम्मानित किया था फौजियों का, वो हमारे एक सैनिक मित्र बने हैं और आज जो प्रोग्राम हुआ है श्री कावड़िया जी एंड ग्रुप की तरफ से जो सम्मान दिया गया हमारे फौजियों को, मैं उसके लिए कावड़िया जी तथा उनके ग्रुप तथा मीरा बहेंदर नागरिक संस्था को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक चीज आज से मैं ये भी डिक्लेयर करता हूं, कावड़िया जी एंड ग्रुप मेरे एक सैनिक मित्र बन गए, मुझे दो